सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज़ और अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, मंडे को जो है सीएट टायर इंटरनेशनल क्रिकेट अवार्ड हुआ, जिसके अंदर जो है सभी क्रिकेटर खिलाड़ियों को जो है अलग अलग अवार्ड से नवाजा गया, जिसके अंदर बेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, ये सारे अवार्ड जो है सभी क्रिकेट खिलाड़ियों को मिले गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो है मैं आपको सभी क्रिकेटर अवार्ड्स के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सीएट इंटरनेशनल बैट्समैन ऑफ द ईयर। तो दोस्तों, ये अवार्ड जो है मिला था शिखर धवन को, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके के फॉर्म में शिखर धवन थे 2017 और 18 में, लगातार हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, जिसको देखते हुए जो है शिखर धवन को ये अवार्ड मिला, वो भी बेस्ट इंटरनेशनल बैट्समैन। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं सीएट इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर। तो दोस्तों, ये अवार्ड जो है न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट को मिला था। दोस्तों, अब बात करते हैं सीएट टी20 बॉलर ऑफ द ईयर। तो दोस्तों, ये अवार्ड जो है मिला था नन अदर देन राशिद खान। दोस्तों, राशिद खान का जो जलवा है आईपीएल में, टी20 में खासकर, वो तो बहुत ज़्यादा है, जिसको देखते हुए जो है राशिद खान को ये अवार्ड मिला है, वो भी टी20 बॉलर ऑफ द ईयर। दोस्तों, अब बात करते हैं सीएट टी20 बैट्समैन ऑफ द ईयर। तो दोस्तों, ये अवार्ड जो है न्यूजीलैंड के ओपनिंग बैट्समैन कॉलिन मुंड्रो को जाता है। दोस्तों, मुंड्रो ने जो है इंटरनेशनल टी20 में सेंचुरी भी लगाई है, लेकिन दोस्तों मुंड्रो का जो फॉर्म था वो आईपीएल में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन इंटरनेशनल में मुंड्रो का फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। दोस्तों, अब बात करते हैं सीएट आउटस्टैंडिंग इनिंग ऑफ द ईयर। तो दोस्तों, ये अवार्ड जो है जाता है हमारी वुमेन्स क्रिकेटर, जिसका नाम है हरमनप्रीत कौर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को वो पारी तो याद होगी ही, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की, जहाँ पे हरमनप्रीत कौर ने 171 नॉट आउट पारी खेली थी, वो भी ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो दोस्तों, उस पारी को जो है आउटस्टैंडिंग इनिंग ऑफ द ईयर चुना गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं सीएट डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ द ईयर। तो दोस्तों, ये अवार्ड जो है नन अदर देन जाता है मयंक अग्रवाल को। दोस्तों, मयंक अग्रवाल का जो फॉर्म था डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो दोस्तों सबसे बढ़िया चल रहा था, जिसको देखते हुए उनको आईपीएल में भी मौका मिला था। और दोस्तों, अब बात करते हैं सीएट अंडर 19 प्लेयर ऑफ द ईयर। तो दोस्तों, ये अवार्ड मिला था वो थे शुभमान गिल को। दोस्तों, शुभमान गिल ने ये साल के अंडर 19 वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, जिसको देखते हुए उनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे लास्ट और सबसे बड़े अवार्ड की, जिसका नाम है सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो दोस्तों, ये अवार्ड जो है नन अदर देन मिला है हमारे भारतीय खिलाड़ी, जिनका नाम है विराट कोहली। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली का फॉर्म 2017 और 18 में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, जिसको देखते हुए जो है विराट कोहली को सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।